हे गाइस, इट्स योर विप्लव ब्लॉग्स। मैं विप्लव और आप सभी का स्वागत करता हूँ वेस्ट बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से। आज हमारा जर्नी होने वाला है न्यू जलपाईगुड़ी से लेके बिहार का राजधानी पटना तक वेस्ट बंगाल का पहला ऑरेंज कलर का वंदे भारत एक्सप्रेस में। आज का डेट है 18 मार्च 2024। 12 मार्च 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेट किए थे, उसमें ये ट्रेन भी है। हमारे वंदे भारत ट्रेन का नंबर है 22233। ये ट्रेन सुबह 5:15 पे न्यू जलपाईगुड़ी की 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होता है और पटना जंक्शन पहुंचती है 12:10 पे। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के काटियार डिवीजन पे। NGP स्टेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया का मेन लैंड से कनेक्ट करती है। न्यू जलपाईगुड़ी का स्टेशन कोड है NJP। ये ट्रेन हफ्ते में मंगलवार छोड़ के 6 दिन चलती है। जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है टोटल 472 किलोमीटर। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ मंगलवार छोड़ के 6 दिन चलती है। ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड रहता है 130 किलोमीटर पर आवर। आज का जर्नी काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये मेरा लाइफ का पहला वंदे भारत ट्रेन जर्नी है और ट्रेन का कलर सैफ्रन कलर का है, इसलिए और भी प्रीमियम लग रहा है। इसमें टोटल 8 कोच में से 7 है AC चेयर कार और 1 है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। मेरा कोच नंबर है C4। तो चलिए अंदर चल के आप लोगों को अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ। चेयरकार का सीटिंग अरेंजमेंट इधर 3x2 है, देख के लग ही नहीं रहा है कि CC है, ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव चेयरकार का EC है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, इतना प्रीमियम लग रहा है। मेरा सीट नंबर है 39 विंडो साइड और सीट पे इधर पे नीचे मोबाइल चार्जिंग करने के लिए और एक टेबल फोल्डेबल है। और यहाँ पे ये टच लाइट्स भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन पे आ गया हूँ। हाँ, मैं अभी तक एरोप्लेन पे चढ़ा नहीं हूँ, जस्ट वीडियोस में देखा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन पे चढ़ के जा रहा हूँ। अभी इधर पे भैया जो खाने का सब तैयारी कर रहे हैं। भैया आपका नाम? विकेश कुमार सिंह। और भैया बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और चलिए अभी आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जीक्यूटिव चेयर का इंटीरियर। ये रहा NGP पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का EC का सीटिंग अरेंजमेंट, इधर 2x2 है। एग्जीक्यूटिव चेयर का सीट का जो क्वालिटी है पूरा एकदम सिंहासन जैसा है, राजा महाराजा लोगों का जैसा। और CC से किराया इसका काफ़ी ज़्यादा है, उतना डिफरेंस नहीं है सीट में, खाली सीट जो है 360 रोटेट होता है और इधर पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए 360 रोटेट इजीली हो जाता है। बाकी के मोबाइल चार्जर और ये टच लाइट का फंक्शंस सेम है। तो दोस्तों, गेट बंद होने का सिग्नल आ गया है, टाइम हो रहा है 5:15। ये गेट बंद हो गया और ये गेट नहीं खुलेगा। जय श्री राम दोस्तों, मेरी यात्रा न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेशन इज किशनगंज। सबसे पहले वेलकम किया जाता है एक रेल नीट से, वाटर बॉटल के बाद फिर से न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में पढ़ता नहीं हूँ। ये अदरक की चाय है और ये ओट्स के बिस्किट। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रेन की किराया की। सबसे पहले AC चेयर कार की किराया है 1180 रुपया इंक्लूडिंग फूड और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की फेयर है 2245 रुपया इंक्लूडिंग फूड। EC का प्राइस थोड़ा सा महंगा है लेकिन आपको एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिलेगा। सुबह की पहली किरण निकल चुकी है और ये बाहर का जो नज़ारा है, आसमान का कलर और ग्रीन हरियाली देख के जस्ट इतना सुकून वाला फील हो रहा है कि क्या बताऊं। चलिए दिखा देता हूं आप लोगों को। चलिए
लिए घूम के आते हैं वंदे भारत की सीसी चेयर कार के वॉशरूम से। ये ट्रेन आ गया है, इस ट्रेन का पहला हॉल्ट स्टेशन बिहार का किशनगंज रेलवे स्टेशन पे। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किशनगंज स्टेशन से डिपार्चर हो चुकी है। अगला स्टेशन है कटिहार जंक्शन। फिलहाल ट्रेन अपना एवरेज स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। कटिहार जंक्शन पे आपका स्वागत है। यहाँ पे ट्रेन का आने का समय था 7:45 पे, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 7:30, 15 मिनट पहले ही हमारी वंदे भारत कटिहार जंक्शन पे आ चुकी है और यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट टाइम है 5 मिनट। बिहार स्टेट में कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जूट की उत्पादन होता है, इसलिए कटिहार को बिहार की जूट कैपिटल भी कहा जाता है। बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से 4 फेमस नदियां बहती है, गंगा, कोसी, महानंदा और रीगा। हमारी ट्रेन अपना निर्धारित समय 7:50 पे कटिहार जंक्शन से डिपार्चर कर चुका है। अगला स्टेशन है नौगाछिया। ब्रेकफास्ट में है एक केक, मसाला चाय, उसमें ब्रेड है, टमाटो केचप, जैम, अमूल का बटर और इसमें है आलू मटर और गाजर फ्राई, और है एक अंडा का ऑमलेट। नौगाछिया आता है बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। नौगाछिया टाउन गंगा नदी और कोसी नदी से घिरी हुई है और नौगाछिया में पीला कलर का जो भुट्टा होता है उसकी चास होता है। फिलहाल नौगाछिया से ट्रेन डिपार्चर हो चुका है। अगला स्टेशन है खगड़िया जंक्शन। खगड़िया बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। खगड़िया का स्टेशन कोड है KGG। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है स्टेशन पे और सब कोई एक ही तरफ देख रहा है, बस वंदे भारत ट्रेन की तरफ देख रहा है बस। फिलहाल हम लोग का ट्रेन आ पहुंची है बिहार के फाइनेंशियल और कैपिटल राजधानी बेगूसराय पे। ट्रेन बेगूसराय से डिपार्चर हो चुका है। अगला स्टेशन है पटना साहिब। सिग्नलिंग प्रॉब्लम होने का वजह से ट्रेन 56 मिनट डिले हो गया है, इसलिए ट्रेन का स्पीड अभी 130, मतलब वंदे भारत अपना फुल स्पीड पे चल रहा है।
ट्रेन का स्पीड 129, 130 और मैक्सिमम स्पीड 131 तक चल रहा है। मैक्सिमम स्पीड गया है 133। ट्रेन का अंदर बैठ के बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है और अंदर बैठ के जो इतना स्पीड चल रहा है 132-133 इतना स्पीड का पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रेन इतना स्पीड है। नॉर्मल ही लग रहा है, कुछ वाइब्रेशन का फील नहीं है, ट्रेन बहुत स्मूथ चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुँचे हैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन पे। पटना साहिब रेलवे स्टेशन पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। यहाँ पे सबसे फेमस है पटना साहिब का गुरुद्वारा। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का पटना साहिब में ही जन्म हुआ था। मेरा तरफ से उनको कोटि कोटि प्रणाम। पटना साहिब रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है PNC। ट्रेन पटना साहिब से डिपर्चर हो चुका है। इसके बाद हम लोग का लास्ट अंतिम स्टेशन पटना जंक्शन। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल जो कि बिहार में है। यहाँ पे कमर्शियल स्टॉप तो नहीं है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है बिहार का, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वाला स्टेशन शेयर कर रहा हूँ। फाइनली हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन पे एंटर कर चुकी है। पटना जंक्शन पहुंचने का ट्रेन का टाइम था 12:10, लेकिन हमारी ट्रेन आके पहुंची है 12:33, यानी कि 13 मिनट लेट। तो दोस्तों फाइनली ये वाला सफ़र कंप्लीट हुआ, वंदे भारत एक्सप्रेस का जर्नी। अभी जर्नी ख़त्म हो गया है तो मैं नीचे उतरूंगा। फाइनली उतर गया हूँ बिहार के राजधानी शहर पटना पे और वंदे भारत का ये जो आज का हमारा सफ़र था काफ़ी आरामदायक था और मेरे को तो वंदे भारत का सफ़र करके काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैं काफ़ी खुश हूँ। ये मेरा लाइफ का पहला वंदे भारत एक्सपीरियंस था और आप लोग भी वंदे भारत पे आइए। और ये जो वंदे भारत स्पेशली है सैफ्रॉन कलर का, ये उसका लुकिंग इतना प्रीमियम लगता है, इतना प्रीमियम गजब का लगता है। अभी वंदे भारत 1 बजे वापस रवाना होगा NGP के लिए और NGP उतारेगा आज इवनिंग 8 PM को। अभी बस 20 मिनट बाद ही ट्रेन का डिपर्चर है पटना जंक्शन से और उसके बाद इस ट्रेन को बहुत मिस करूंगा। पता नहीं ये वाला ट्रेन में मैं वापस कब फिर से ये वाला ट्रेन में सफ़र कर पाऊँगा। चाहिए वंदे भारत स्टार्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा है। पटना टू कटिहार। पटना रेलवे स्टेशन इंडिया के सभी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। पटना स्टेशन का स्टेशन कोड है PNBE। पटना शहर इंडिया के काफ़ी प्राचीन शहर में से एक शहर है। गंगा नदी के तट पे बसा हुआ ये शहर सिर्फ बिहार का राजधानी ही नहीं बिहार का सबसे बड़ा शहर है। तो दोस्तों चलिए समय हो गया है वीडियो को यहीं पे एंड करने का। वीडियो कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आप लोगों के लिए ऐसा और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ ऐसा ही और वीडियोस लेके। तो जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियोज़ लेके।